तो वही आज हम आए थे बाजार और हमारे यहाँ हो गई थी सब्जी खत्म घर पर, तो सोचा चलिए मंडी से आज कुछ सब्जी खरीद लाते हैं। और जैसे ही हम लोग सब्जी खरीदने आए, बस पूछो मत, पहली परेशानी तो ये कि इन भैया से हमने पूछा कि भैया अरबी क्या रेट है, तो उन्होंने बताया 60 रुपये किलो। फिर मैंने इन भैया से पूछा आम क्या रेट है, तो ये तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। और ये बच्चा इतना अच्छा था, इतना प्यारा सा था कि इससे मैंने जैसे पूछा तुरंत बता दिया। इसने कहा ये आंटी पहाड़ी आलू है और जो प्याज थी वो नासिक की थी और इसका रेट 25 रुपये किलो था और हरी मिर्च 10 रुपये पाव। और ये भैया तो देखते ही शुरू हो गए, आंटी आ गई भाई वीडियो बनाएंगी अब ये, तो इनको लगा कि आंटी तो वीडियो बनाएंगी और ज़ोर ज़ोर से सारे ये सपने आप देखते ही शुरू हो गए, प्याज 25 रुपये किलो, आलू 25 रुपये किलो, और खुश हो रहे थे सारे के सारे, है ना। ये देखो ये हाथ हिला रहा है, ये भी खुश हो गया। इनको पता था कि आंटी सब्जी तो लेकर जाएंगी लेकिन वीडियो भी बनाएंगी, तो ये बड़े खुश हो गए सारे के जने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि हमें वीडियो नहीं बनाने देते, मैं क्लियर बताऊं आपको, वो बिल्कुल मना कर देते हैं। अब ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है भाई, वो पता नहीं कैमरे के सामने क्यों नहीं आना चाहते, तो वो लोग बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं जी आप हमारी वीडियो मत बनाओ, तो मैं वीडियो बनाती भी नहीं हूँ उनकी। बट चलिए कोई बात नहीं, मेरे को वो भी लेने थे टमाटर का रेट 20 रुपये चल रहा था तो मैंने टमाटर ले लिए। और इन महाराज जी को देखो, इसको मैंने 10 बार पूछा भाई टमाटर क्या रेट है, तब जाकर बताया कि 20 रुपये किलो। यहाँ पे ये भैया टिक्की बेच रहे थे जो कि बहुत ही गर्मा गर्म, मन तो करा मेरा खाने का लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा सी नहीं हुई। फिर मैंने पूछा और मैं आगे थोड़ा सा बढ़ चल दी, मैंने कहा अभी तो मेरे को शॉपिंग करनी है, सब्जी लेनी है, तो फिर मैंने कहा भैया मैं बाद में ही लूँगी। इधर ये अंकल मिल गए हमें जो कटहल की कटिंग कर रहे थे, कटहल थी आज 30 रुपये किलो। और फिर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हस्बैंड कहने लगे कि मेरे को बेल का शरबत पीना है, तो मैंने कहा पी लीजिए, बेल का शरबत मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन कहते हैं इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं बेल के शरबत के। बेल का जो शरबत होता है उसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप अगर पी रहे हो तो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और रेट था इसका 10 रुपये गिलास लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, बाय गॉड मैं बिल्कुल नहीं पी सकती है। साथ ही ये भैया चने बेच रहे थे और हमें चाहिए था सत्तू। फिर मैंने पूछा भैया से कि सत्तू है आपके पास चने का सत्तू, तो उन्होंने बोला कि हाँ है तो सही लेकिन सत्तू में कुछ अजीब सा था, मन नहीं हुआ फिर लेने का। मैंने पूछा लेकिन अंदर से इच्छा नहीं हुई तो मैंने नहीं लिया, है ना। इसी बात पर हम थोड़ा और आगे चले, यहाँ पे जूस की दुकान थी तो हमने सोचा चलिए जूस पीते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये बच्ची जो है बिना चप्पल के घूम रही थी। तभी जो सामने भैया खड़े थे वो बोले चलो मैं आपको चप्पल दिला देता हूँ, तो अच्छी बात है, ऐसे बच्चों की मदद आपको करनी चाहिए, है ना, ज़रूर करनी चाहिए। और ये देख लीजिए, माफ़ी चाहेंगे आपसे, आस पड़ोस से कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं कढ़ाई में, ब्रेड पकौड़ा, आ हा हा हा, मुँह में पानी आ गया सच में। और मैं तो जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना इनके यहाँ का ब्रेड ज़रूर खाती हूँ। देखिए आप, रखा हुआ है मैंने ब्रेड और उसके साथ मिलती है जी सब्जी, और ब्रेड होता है सिर्फ 20 रुपये का, जिसे खाकर आ जाता है मज़ा। लेकिन यहाँ जितना ट्रैफिक रहता है ना, यकीन मानो वो ट्रैफिक सर में दर्द कर देता है, टी पी। और फिर हमने सोचा चलिए जब यहाँ तक आए हैं तो ये आम बिक रहे थे, सफ़ेदा आम था ये, सफ़ेद आम का रेट था आज 50 रुपये। और ये कटहल दे रहे थे 30 से 40 रुपये, कटहल बहुत फ्रेश थी। और यहाँ से इस भैया से हमने ख़रीदा अनारदाना, क्योंकि मेरा पेट जो है ना काफ़ी दिन से डिस्टर्ब हो रहा है, पेट बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। और ये थे भुट्टे के दाने, भुट्टा बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो स्वीट कॉर्न को, अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, देसी भाषा में तो इसे भुट्टा ही बोलते हैं, ठीक है ना।
और बाकी भिंडी का रेट 40 रुपये हो गया, कभी 80 रुपये किलो था ये जब स्टार्टिंग में भिंडी आई थी, 80 रुपये किलो थी बताइए। तो हमने यहाँ से कटहल भी खरीद लिया।